तो हे व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल हैं। एंड गाइस, कुछ इस टाइप की फ़ोटो एडिटिंग लेकर आ चुके हैं हम। बहुत स्पेशल वीडियो होने वाली है गाइस, ये तो देख सकते हो कैसे हमने मैच कराया फ़ोटो में। और गाइस, आप करते होगे तो कभी फेस बन जाता होगा, बैकग्राउंड सही से नहीं बनता होगा, तो फ़ोटो थोड़ा ख़राब सा लगता होगा। तो गाइस, इसमें आप क्या गलती करते हो, इस वीडियो में सब डिटेल मिलेगी आप क्या गलती करते हो। 100% गाइस इस टाइप की फ़ोटो एडिटिंग सीख जाओगे। बस गाइस, 10 मिनट रुकना पड़ेगा आपको, 10 मिनट वीडियो देखनी पड़ेगी, उसके बाद ये फ़ोटो एडिट करना सीख जाओगे। दोबारा देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी गाइस। तो देख सकते हो हमारा फ़ोटो और फेस देख सकते हो, और हमने इंस्टाग्राम की PNG भी लगाई है, एक इंस्टा मॉडल। तो देख सकते हो कुछ अजीब ही लुक लग रहा है। तो गाइस, बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने फ़ोटो पर नॉर्मल। तो गाइस, नॉर्मल फ़ोटो हमने ओपन कर लिया है, तो इसे शेयर करते हैं सबसे पहले। तो शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो गाइस देखते हैं हम स्नैपसीड एप्लीकेशन हमारा, ये रहा, इसमें ओपन कर लेना सबसे पहले। स्नैपसीड एप्लीकेशन में ओपन कर लेना है गाइस। कितना करने के बाद वो दिखाते हैं हम आपको, फ़ोटो देख लेना गाइस, कोई फेक वीडियो नहीं है, रियल है। फेस और बैकग्राउंड देख लेना, आपके सामने ही एडिट करके दिखाएंगे। टूल्स पर जाना है, टून इमेज पर जाना है, टून इमेज को एम्बुलेंस को 19%, फिर डन कर देना है गाइस। फ़ोटो को शेयर कर लेना है लाइटरूम ऐप के अंदर, ठीक है फ्रेंड। तो चलते हैं हम लाइटरूम ऐप के अंदर, आ चुके हैं हम लाइटरूम ऐप के अंदर। तो अपना फ़ोटो सिलेक्ट करते हैं, हम ढूंढते हैं कहाँ है हमारा फ़ोटो, ये रहा ऊपर ही है। तो गाइस, ये रहा हमारा फ़ोटो। तो गाइस, लाइट पर आना है, देख लेना वीडियो में, तो देख लेना। कंट्रास्ट को 45% माइनस रखना है, हाईलाइट को 100% माइनस रखना है, ठीक है फ्रेंड। शेडो को 100% प्लस में रखना है, वाइट को माइनस में रखना है, और ब्लैक को भी माइनस में रखना है, 66% माइनस में ब्लैक को। और मिक्स पर आना है, देख सकते हो गाइस। तो आप अपने कलर के हिसाब से मैच कर लेना ये रेड टोन को। फिर तीसरे वाले ऑप्शन पर आना है, फिर चौथे वाले ऑप्शन पर आना है, इसका ह्यू को माइनस रखना है, डन पे क्लिक कर देना है। इफ़ेक्ट पर आना है, क्वालिटी को बढ़ा लेना है 6%। डिटेल्स पर जाना है, सबको थोड़ा थोड़ा बढ़ा लेना है गाइस। फ़ोटो को शेयर कर लेना है इतना करने के बाद। तो दिखाते हैं आपको कौन से स्नैपसीड एप्लीकेशन में ओपन कर लेना है। देख सकते हो फेस और बैकग्राउंड अभी हमारा मैच नहीं हुआ है, तो आपको फुल वीडियो में थंबनेल तो दिखाया ही है, बिल्कुल ऐसे ही बना के दिखाएंगे। अपने फेस पर लाइट दे देनी है थोड़ी ब्राइटनेस, ठीक है फ्रेंड। इतना करने के बाद टूल्स पर जाना है, डिटेल्स पर जाना है, और नीचे वाले दूसरे वाले ऑप्शन को 100% प्लस में रखना है। फ़ोटो को शेयर कर लेना है स्केचबुक एप्लीकेशन में। तो इसे हम स्मूथ करते हैं फ़ोटो को, ब्रश दिखा देते हैं आपको। 6 नंबर की लेनी नहीं है, साइज़ देख लेना, फॉलो को 3 रखना है, स्टैंड को 10 रखना है, और अपने फेस पर चलाना है। देख सकते हो फ्रेंड कितना अच्छा स्मूथ हो रहा है हमारा फेस।
जिसे ऊपर से नीचे चलाना है। देख सकते हो गाइस जैसे हम दिखा रहे हैं बिल्कुल ब्रश ऐसे ही चलानी है। तो फ्रेंड आशा करते हैं आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो गाइस अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है गाइस, इतना तो आप सपोर्ट कर ही सकते हो। आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर आते हैं हम। तो गाइस कहीं स्किप नहीं करेंगे, वीडियो नहीं कट करेंगे, फुल एडिटिंग दिखाएंगे आपको। बहुत से क्या करते हैं वीडियो को कट करके दिखाते हैं तो आप बोलते हो वीडियो में कुछ अलग कराया तुमने, तो गाइस कुछ नहीं कट करेंगे हम, बिल्कुल रियल दिखाएंगे आपको। और जैसा दिखाया है बिल्कुल ऐसा ही फ़ोटो बनाकर दिखाएंगे, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पे क्लिक करके वीडियो चेकआउट करी है ऐसा ही मिलेगा फ़ोटो। तो गाइस वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। तो जल्दी जल्दी हाथों को भी स्मूथ कर लेता हूँ मैं। तो साइज गाइस यहाँ छोटा रखना, ज़्यादा बड़ा मत रखना, अपने हिसाब से रखना ठीक है। ज़्यादा बड़ा करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, छोटा रखना साइज। तो फ्रेंड फोटो हमारा स्मूथ हो चुका है, तो देख सकते हो फोटो स्मूथ हो चुका है हमारा। थोड़ा सा और रह गया है, इसे भी कर लेते हैं जल्दी। एक लेयर बनाने लिए प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और मीडियम ब्रश को ले लेना है और अपने लिप्स पर चलाना है ठीक है फ्रेंड। ओपेसिटी को कम कर लेना है अपने हिसाब से और फोटो को सेव कर लेते हैं। अगला स्टेप बताते हैं अब आपको गाइस, 100% सिखाएंगे, 99 नहीं 100% वीडियो। देख सकते हो ब्राइटनेस दे देनी है गाइस थोड़ी, जहां आपको लगे कम है। इतना करने के बाद फ़ोटो रूम एप्लीकेशन में ओपन कर लेना है फ़ोटो को। तो थोड़े गाइस नेट ऑन कर लेना, नेट से चलता है ये। तो मेरा नेट स्लो चल रहा है, वाईफाई से कनेक्ट कर रखा है। देख सकते हो गाइस फोटो को, ठीक है फ्रेंड। इतना तो समझ में आ चुका होगा आपको। तो गाइस मैं बैकग्राउंड देख लेता हूँ, बैकग्राउंड ये रहा।
तो फोटो को सेव कर ले, शेयर कर लेते हैं। पिज़्ज़ा हट एप्लीकेशन में शेयर कर लेते हैं इसे फोटो रूम का वाटर मार्क हटाने के लिए। तो गाइस रिमूव कर दिया है ये हमने, देख सकते हो इजीली रिमूव हो जाएगा। ऐड फोटो पे क्लिक करना है, पीएनजी ऐड करनी है एक। तो गाइस पीएनजी ये रही हमारी, ऐड पे क्लिक करना है। तो गाइस दो पीएनजी हैं, सारी पीएनजी आपको जो भी इस्तेमाल हो रहा है डायरेक्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। इफेक्ट पर क्लिक करना है। ठीक है फ्रेंड, बिफोर आप रोल देख सकते हो। अपने फेस पर से हटा लेना है और हाथों पे से, बाकी ये रहने देना है। फोटो में अजीब ही लुक आ जाएगा। तो अच्छे तरीके से करना है फ्रेंड, जल्दीबाजी मत करना, अच्छे तरीके से करना है। इफेक्ट पर जाना है, फिर से कलर्स पर जाना है, अपने तो मैं अपने कैप पर कर लेता हूँ कलर, रेड करना है ना मुझे, तो रेड कर लेता हूँ जल्दी। तो गाइस आप भी कैप पहने हो तो कलर चेंज कर लेना, क्योंकि एडिट करते टाइम कलर चेंज हो जाता है। तो गाइस ध्यान से करना है, कोई भी स्टेप छोड़ना नहीं है। इफेक्ट पर जाना है दोबारा से, देख सकते हो। तो गाइस देख सकते हो आप, तो गाइस बना दिया ना जैसा दिखाया था बिल्कुल ऐसा ही। तो गाइस वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, जल्दी से इसे कर लेते हैं। थोड़ा सा और रह गया है फ्रेंड, इसे भी कर लेते हैं। डन पे क्लिक करना है, ऐड फोटो पे जाना है। गाइस जितनी भी पीएनजी ऐड होंगी वो सारी डायरेक्शन बॉक्स में मिल जाएंगी आपको। तो एक पीएनजी और ऐड कर लेते हैं, टेंटू की पीएनजी है फ्रेंड ये। इफेक्ट पर जाना है के बाद टेंटू लिख देना तो बहुत सारी पीएनजी आ जाएंगी। वैसे एक और ले लेते हैं, ठीक है फ्रेंड, इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। बस सेव फोटो पे क्लिक करके सेव कर लेना है फ़ोटो को गाइस। तो फोटो को शेयर करते हैं दोबारा से स्नैपसीड एप्लीकेशन में। सिलेक्टेड पे जाना है गाइस, सिलेक्टेड पे जाके अपनी
सेट पे थोड़ा कलर देना है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए बाय।